हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि NTPC और ग्रुप डी की एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है। 15 दिसंबर के अराउंड आपका एग्जाम होगा। तो जब भी कोई बच्चा या फिर जब भी कोई इंसान तैयारी करने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसके मन में बातें आती हैं, कुछ कुछ बातें आती हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, पहले हम क्या पढ़ना शुरू करें, क्या इस किताब को पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या इस किताब को पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले दिमाग में आते कौन सी किताबें पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इतनी किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर इतनी सारी किताबों को पढ़ने सिलेक्शन होता तो शायद जिनके भी आज बुक स्टोर्स हैं वो सभी कलेक्टर होते हैं। कोई भी किताब नहीं बेच रहा होता, सारे DM ADM या मैं बोलूं IAS ऑफिसर होते, नहीं ऐसा नहीं होता। एक किताब को उठाइए, उस किताब को रगड़ दे दे, वहीं से आपकी सिलेक्शन की पहली शुरुआत होती है। यह है पहली सीढ़ी आपके सिलेक्शन की, ठीक है। और दूसरी सीढ़ी होती है आपकी रिवीजन। ये दो ही चीज होती है जो सिलेक्शन में आपको आपके सिलेक्शन की ओर नजदीक लेके जाती है। एक तो किताब को बार बार पढ़ना और एक रिवीजन करना, बस दो ही चीज होती है, ठीक है। तो मैं आज आपको हर एक सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार भी मतलब आज की डेट में भी शुरुआत करते हो पढ़ाई करने की तो भी आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो सकता है। और ये बात ध्यान रखना, आज जो है वो ले लो क्योंकि कल का पता नहीं नौकरी हो या ना हो। आप सभी को पता है लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, बैंक्स प्राइवेट हो रही है, रेलवे प्राइवेट हो रही है, तो पता नहीं कल किसने देखा है, कल नौकरी हो या ना हो। तो आज पूरी जी जान से तैयारी कीजिए जिससे कि हमें कल को देखने का मौका ना मिले। तो शुरुआत करते हैं अपने चीजों की, कैसे कैसे हम पढ़ने, कितना कितना एग्जाम से बात है, किस चीज को कितना टाइम देना है। जैसे कि आप सभी को पता है आपके NTPC ग्रुप डी के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आने वाले, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। रीजनिंग 30 मार्क्स की आएगी, मैथ्स 30 मार्क्स की आएगी और जीके 40 मार्क्स की आएगी। मतलब 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट्स होते हैं। इतनी बात है सभी को पता होगी क्योंकि सभी लोग आज के टाइम में सब लोग इच्छुक हैं और 1-1.5 साल हो गए इसके फॉर्म को निकले, तो इतनी बात सबको पता होगी। लेकिन जो बात आपको पता नहीं है वो मैं बताने जा रही हूँ आज आपको कि कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस किताब से देना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जीके की। जीके एक बड़ा सब्जेक्ट भी है, बड़ा सब्जेक्ट भी है और ज्यादा मार्क्स का भी है। जीके से आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का आने वाला है। तो तैयारी इसकी कैसे करें, तो एक बात ध्यान रखो, केवल और केवल ध्यान देना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, केवल और केवल लूसेंट को उठाइए। केवल लूसेंट में आपके पास थ्योरी भी है। ये किताब मैंने क्यों बोली, बहुत ध्यान समझना, इस किताब को बोलने का मेरा मतलब ये था कि इसमें आपकी थ्योरी भी अवेलेबल है और आपका MCQ भी अवेलेबल है। आप थ्योरी पढ़िए MCQ लगाइए, थ्योरी पढ़िए MCQ लगाइए। जब ये दोनों चल रही हो इसके साथ साथ आप NTPC का प्रीवियस ईयर लगाना है, NTPC प्रीवियस ईयर लगाना है, आप इसके साथ साथ लगाना है। और किसका लगाएंगे, मार्केट में अवेलेबल होता है किरण प्रकाशन का, किरण का अवेलेबल होगा आपके पास, किरण प्रकाशन का, वो आप खरीद लीजिएगा, वो लगाना है। केवल एक किताब, फॉर श्योर सिलेक्शन है आपका, फॉर श्योर सिलेक्शन, ठीक है। कौन चीज है, लूसेंट की किताब, थ्योरी और MCQ दोनों अवेलेबल होती है उसके अंदर। आप क्वेश्चन थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। इसके अलावा क्या करना है आपको, NTPC का प्रीवियस ईयर खरीदना है किरण प्रकाशन का, वही अवेलेबल होगा इजीली आपके पास, आसपास दुकानों में या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, खरीदे लगाना शुरू। इससे ऊपर आपको GK में कुछ करने की जरूरत नहीं। किस चीज के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज आती है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ज्यादा दुख भरा चीज है जो आज के टाइम पे एग्जाम में ज्यादातर आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलरली आप डेली भी करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ पा रहे कोई बात, लेकिन संडे को टाइम निकालिए, संडे को आप टाइम निकालिए रेगुलरली।
डेली संडे को आप टाइम निकाले करंट अफेयर्स के लिए, और एक वीक का और वन वीक का जितना भी करंट अफेयर्स होता है वो एक बार पढ़ ली, और उस एक वीक का जो पढ़ते हो उसे सातों दिन किताब से एक बार देखते रहो, केवल नजर लगाते रहो बस, केवल और कुछ नहीं करना आपको। डेली दिमाग में रहेगा, देखो करंट अफेयर रटने से याद नहीं होगा, समझने से याद होगा, ये बात ध्यान रखें। तो ये बात होगी जीके की। इसके अलावा आपको जीके में कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बोलते मनोहर पांडे बोल लो, कुछ बोलते तरुण गोयल पढ़ लो, बच्चे इतनी सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। हम आईएएस की तैयारी करने नहीं जा रहे हैं, हमें सटीक तैयारी करनी है, हमें सटीक तैयारी करनी है, हमें आईएएस की तैयारी करने नहीं जा रहे, हम रेलवे की तैयारी करने जा रहे हैं, ये मत भूल जाना आप। लूसेंट मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में बहुत दिक्कत है मैडम, मैथ्स में तो जीरो है, सबके मन में ही बातें आती। आज आपको जीरो से हीरो बनाने का तरीका बता रही हूँ, और सिर्फ एक ही किताब, कैसे देखना, क्या करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या करें, केवल और केवल राकेश यादव की किताब आती है, राकेश यादव की किताब आती है, ठीक है, 7300 नाम से आती है, ठीक है, अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ एक ही किताब में कंबाइन होता है, वो किताब ले लीजिए। अब आप जब किताब को देखेंगे तो किताब इतनी मोटी लगेगी, आप डर जाओगे ये किताब कैसे होगी। सबर रखिए, सबर रखिए, वो इतनी मोटी सी किताब पूरी नहीं करनी आपको, वो तो हर कॉम्पिटिशन के काम आती है। आपको क्या करना है पहले, ये बात ध्यान दीजिए, पहले आप अर्थमेटिक के टॉपिक उठाइएगा, एडवांस अभी नहीं करेंगे आप, एडवांस में मैं आपको बताऊंगी एडवांस कैसे करना है, अभी केवल आप अर्थमेटिक को उठाएंगे। और अर्थमेटिक का भी क्या, 2000 उसमें ईयर दे रखा है, ये सवाल इस साल में आया था, ये सवाल इस साल में आया था, आपको क्या उठाना है, 2005 के बाद जो सवाल आए हैं वो उठाने, केवल 2005 या बोलूंगी 2005 या 2007-08 के बाद जितने भी सवाल आए हैं वो उठाएंगे, उठाने 2005 से पहले वाले सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत पुराने आउटडेटेड सवाल है, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो किताब इतनी मोटी होगी, उसमें बहुत पुराने सवाल भी, 99 के भी सवाल है और आज के भी सवाल है, आपको केवल 2000 के बाद के सवाल करने हैं, केवल और केवल सिर्फ सिंगल एक किताब लगानी है, कोई किताब नहीं लगानी, कोई सिंगल किताब नहीं। अब बात करते रीजनिंग की, रीजनिंग में आप क्या करेंगे, रीजनिंग में आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ेंगे हम रीजनिंग, रीजनिंग में आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। रीजनिंग में क्या करेंगे, केवल आपने किताब खरीद रखी है, देखो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का, एनटीपीसी का आपने प्रीवियस ईयर खरीद रखा है, ठीक है, और उसमें किसका किरण खरीद रखा है, आपको मेरी वीडियोस अवेलेबल एनटीपीसी की, और फिर से मैं जीरो से वापस से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जैसे ही मेरा चैनल स्टार्ट होता है वैसे ही, अभी चैनल बंद है, उसको देखेगा, क्योंकि रीजनिंग आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो पढ़ के समझ में नहीं आएगा, आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो बस समझ नहीं पाओगे, ना मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने के बाद आप एक कर सकते हैं, एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर है, किरण पब्लिकेशन का, आपका किरण प्रकाशन का जो पब्लिकेशन है, वहां से रीजनिंग के सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस। लेकिन समझने का काम कहां से करेंगे, मेरी वीडियो से, मेरी वीडियोस देखिएगा, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पास, उसको देखिएगा, जो टॉपिक सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद किरण प्रकाशन का जो पब्लिकेशन किताब है उस किताब को आप लगा लीजिएगा, आपकी रीजनिंग तैयार है। तो केवल और केवल कितनी बार समझे, केवल 3 किताबें आपकी सिलेक्शन के लिए, केवल 3 किताबें, पहली किताब लूसेंट, दूसरी किताब एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन का, तीसरी किताब राकेश यादव पब्लिकेशन का 7300 नाम से आती है, केवल वो, यही 3 किताब आपको सिलेक्शन दिक्कत दिलाएगी। आपके पास दिन कितने, 90 दिन है, 80 दिन है, आपके पास 80 दिन है, इन 80 दिनों में जितनी बार इस किताबों को घोट सकते उतनी बार घोटो, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आप चाहो तो 10 बार घोट लो, 5 बार घोट लो, 4 बार, जितनी क्षमता है आपके अंदर उतनी बार पढ़ लीजिए, सिलेक्शन केवल यही 3 किताबें दिलाएंगी। आपको एक्स्ट्रा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरे से लिख के ले लीजिए। अगली बात, ये किताबें तो करनी ही करनी है आपको, उसके बाद मेरी क्लास से ऐसे ही मेरा चैनल स्टार्ट होता है,
मैं क्लास स्टार्ट करूंगी अपनी वापस से, जीरो से शुरुआत करूंगी, बिल्कुल जीरो से, और आपको हाईएस्ट लेवल से लेके जाऊंगी। तो जो भी डाउट्स आपको यहाँ पे रह जाएंगे वो डाउट्स आपके मेरे वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। बार बार रिवीजन ही की सक्सेस है सिलेक्शन के लिए, ये बात ध्यान रखना, बार बार रिवीजन। इन्हीं किताबों को करिए अराउंड, देखो अगर आप रीजनिंग ऐसे करते हो तो 30 में से आपके 28 से 29 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं जाएंगे 28 से 29 नंबर, गारंटी मेरी है। गारंटी तो मैं 30 की लेती हूँ, फिर भी एक नंबर काट लो, 29 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे आपके। मैथ्स की बात करो, अगर आप केवल अर्थमेटिक अर्थमेटिक कर लेते हो ना, केवल अर्थमेटिक और कुछ एडवांस के कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी क्या करने हैं आपको, उतने करने से आपको 30 में से 22 से ऊपर मार्क्स आएंगे, 22+। अगर आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हो, डेली ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं, वीकली पढ़ लो करंट अफेयर्स को, और ये लूसेंड ऑफ प्रीवियस ईयर आपने लगा ली, तो आपके कम से कम 30+ मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे, 30+ मार्क्स। आप हिसाब लगा लीजिए, 30 और 30 60 70 80 मतलब 80+ मार्क्स कहीं नहीं गए आप, 80+ मार्क्स कहीं नहीं गए। ये मैं बता रहा हूँ कम से कम पढ़ने का नतीजा है 80 मार्क्स। तो अगर आप सटीक तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क ही होता है जो आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाता है, गधा मजदूरी से नहीं होता, मजदूरी तो गधा भी करता है, क्या वो किसी टारगेट पे तो नहीं, रेस में तो घोड़ा ही चलता है, आपको वो घोड़ा बनना है, ये बात ध्यान दीजिए, गधा नहीं बन रहा है आपको, ये बात ध्यान दीजिए। तो सिलेक्शन इन्हीं तीनों चीज से होने वाला है आपका, तो इन्हीं को करिए। बाकी क्लासेस मैं अभी शुरुआत करूंगी आपकी, जैसे चैनल की शुरुआत होती है हम लोग बिल्कुल जीरो शुरुआत करेंगे क्लास की, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती आप इन किताबों को घोटना चालू कीजिए, बहुत ही आपको कम समय में ज्यादा चीजें गेन करने मदद करेगी ये चीजें, ठीक है। और आपको बताइए प्राइवेटाइजेशन इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, 40,000 बैंक में वैकेंसी आया करती थी किसी जमाने में, और आज 1500 हो गई है, तो ये वक्त नहीं लगेगा ये 1500 से 500 होने में, तो अभी समय रहते नौकरी ले लोगे तो ले लोगे, वरना पता नहीं अगले साल सीटी आ जाएगा और क्या पता सरकारी नौकरी रहेगी भी नहीं रहेगी, तो इसलिए सरकारी नौकरी को अपना पाने का जो अरमान है वो उसे इसी साल पूरा कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और जब तक हमारी क्लासेस मतलब मेरा चैनल बंद है जब तक, तब तक क्लासेस नहीं अवेलेबल है, यही चैनल चालू होगा उन्होंने बोला है कुछ दिन में चालू हो जाएगा, चालू होते ही हम आपके साथ वापस से मिलेंगे, ठीक है। तो शेयर कीजिए, बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत काम आने वाली है। जितने भी साथी नए हैं पहली बार जुड़े थे, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, टेक केयर, थैंक यू।